नमस्कार स्टूडेंट्स हम मेन प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे थे आज हम रे ऑप्टिक्स के टॉपिक का सॉल्यूशन करेंगे जो 19 और 20 में 19 में जनवरी और अप्रैल में और 20 में जो अपने जनवरी में आए हैं हम उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे ओके तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें there is a small source of light at some depth below the surface of water refractive index a misprint print ho gaya. 4 by 3 hoga water ka refractive index 4 by 3 in a tank of large cross section surface area neglecting any reflection from the bottom and absorbed by water percentage of light that emerges out of the surface is use the fact

किसी एच हाइट तक वाटर भरा हुआ है क्लियर इसके बॉटम पर एक पॉइंट सोर्स है अब इस पॉइंट सोर्स से जब लाइट बाहर आएगी तो आपको पता है कि जब उसका इंसिडेंस लाइट uh, कहां से आ रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम वन लाइट कम्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम and its angle incidence angle is greater than the critical angle. Critical angle kya hota hai sin theta c is equal to mu air by mu denser. Air, air, air में जा रहा है one और ये कितना है? आपको अभी दिया था four by three. तो आपके पास sine theta c क्या हो जाएगा? three by four हो जाएगा. Okay. जब इससे एंगल ज्यादा हो तो लाइट का सॉरी लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट वापस उसी मीडियम में आ जाएगी तो लाइट बाहर कहाँ तक जाएगी यहां तक उसका एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल नहीं हो जाता मान लीजिए ये क्रिटिकल एंगल के इक्वल है तो यहां से लाइट इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे ही इस डायरेक्शन में देखेंगे लाइट ऐसे आएगी और इधर चल अब यहां पॉइंट सोर्स है हर पॉइंट पर इस तरह से जो रेज आएंगी वो 90 डिग्री पर रिफ्रेक्ट होगी तो ये एक सर्कल बनेगा ऊपर उस सर्कल के अंदर से लाइट बाहर आएगी मेरी बात क्लियर तो ये आपके पास उसका रेडियस है आर और ये उसका एंगल है थीटा राइट right? अब यहां इंसिडेंस लाइट क्या थी अगर देखें तो पूरे सरफेस पर गिर रही थी लेकिन बाहर कितनी निकल रही थी सिर्फ इतने रीजन से बाहर निकल रही थी ओके तो यहां पर अपन फ्लक्स का मेथड ले सकते हैं निकलने वाली लाइट का पूछ रहा है कि उससे कितने परसेंटेज लाइट बाहर आएगी ओके तो लाइट कितने परसेंटेज बाहर आएगी उसको डिफाइन करने के लिए हम इसको देख सकते हैं कि जो इंटेंसिटी होगी आपके पास बाहर जो लाइट आएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके सॉलिड एंगल के कैसे आपको पता है फोर पाई एंगल के लिए अगर आई होगी तो यूनिट एंगल के लिए आई बाय फोर पाई अगर किसी ओमेगा एंगल की बात करेंगे तो फोर पाई ओमेगा हो जाएगी मेरी बात क्लियर तो यहां पर आप कह सकते हैं कितने परसेंटेज बाहर आएगी तो आउटसाइड ओवर टोटल इक्वल टू आउटसाइड का एंगल बाय टोटल का एंगल सॉलिड एंगल कितना होता है फोर अब किसी भी कोनिकल सरफेस के लिए बात करें अगर उसका सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा है तो उसके बेस का जो बेस है उसके लिए सॉलिड एंगल कितना बनेगा यहां से ये यह कौन बन गया यहां से लाइट बाहर निकलनी है ओके okay? क्लियर तो उस केस में आपके पास इसके लिए सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है टू पाई वन माइनस कॉस ठिटा सी और कॉस थीटा सी क्या है आपके पास ये एंगल है जो क्रिटिकल एंगल के बराबर बाय फोर पाई तो आप क्या लिख सकते हैं वन बाय टू वन माइनस कॉस छिट्टा सी की वैल्यू देखनी है तो आप ट्राइंगल बना लीजिए ये थीटा सी था साइन के लिए थ्री बाय फोर है तो ये रूट सेवन हो जाएगी तो कॉस के लिए ये वैल्यू कितनी होगी आपके पास रूट सेवन बाय फोर हो जाए, जिसे आप लिख सकते हैं फोर माइनस रूट सेवन बाय एट हो जाएगी ओके इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा पॉइंट वन सिक्स नाइन तो उसने परसेंटेज की बात की है तो आउटसाइड बाय टोटल इंटू हंड्रेड परसेंट इक्वल टू कितना आ गया पॉइंट वन सिक्स नाइन इंटू हंड्रेड परसेंट तो आपके पास सिक्सटीन पॉइंट नाइन परसेंट आ जाएगा आंसर पर आइए सिक्सटीन पॉइंट नाइन कोई नहीं है सेवनटीन है तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा सेवनटीन परसेंट सिक्सटीन पॉइंट नाइन अप्रोक्सीमेट सेवनटीन परसेंट हो जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए कन्वेक्स लेंस इज पुट टेन सेंटीमीटर फ्रॉम लाइट सोर्स इट शार्प इमेज ऑन स्क्रीन कैप्ट टेन सेंटीमीटर थिकनेस इज प्लेस्ड इन कंटेक्ट सोर्स टू गेट अगेन द स्क्रीन इज डिस्टेंस डी देखिए आपके पास कोई लेंस दिया है और इस लेंस से वो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर पर लाइट सोर्स है और दूसरी तरफ 10 सेंटीमीटर पर ही आपके पास कोई स्क्रीन है यह देखिए यहां से 10 परसेंट टेन सेंटीमीटर पर कोई स्क्रीन लगी है और ये 10 सेंटीमीटर पर ही कोई ऑब्जेक्ट था ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस कन्वेक्स लेंस के लिए सेम कब होती है? 2f. 2f कितना है आपके पास टू एफ इक्वल टू टेन इसका मतलब फोकल लेंथ इज इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर अब उसने क्या बोला उसने बोला कि इस लेंस की पोजिशन को वही रखा है उसने ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी वहीं पर है कोई चेंज नहीं किया वही टेन सेंटीमीटर थी लेकिन उसने एक स्लैब रख दी यहां पर उस स्लैब की थिकनेस वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास थ्री बाय टू है आपको पता होना चाहिए जब भी किसी स्लैब से कोई लाइट जाएगी चाहे वो कन्वर्जिंग है चाहे वो डाइवर्जिंग है यहां से कोई लाइट रे जा रही है तो यहां से दो बार उसका रिफ्रैक्शन होगा और वो कुछ ऐसे जाएगी तो इसका अगर आप पीछे लेकर जाओगे तो ये रे जो है वो ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट हो जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ रे अगर ऐसा हो कोई रे कन्वर्ज हो रही हो इस पर मान लीजिए कोई रे इंसिडेंस हो रही थी और इसको इस पॉइंट पर इंसिडेंस होना था लेकिन यहां से इसका रिफ्रेक्शन हुआ और ये यह यहां इंसिडेंस हुई इतना आगे ये शिफ्ट हो गई है एस इस शिफ्टिंग की जो वैल्यू होती है आपके पास एस ये ऑलवेज टी वन माइनस वन बाय म्यू होती है क्लियर तो यहां पर देखिए जब रे यहां से इंसिडेंस होगी तो इसके कारण रे को थोड़ा सा डेविएट करते हुए शिफ्ट कर दिया जाएगा ओके okay? तो उस केस में जो रे है वो उस पॉइंट से ना आती हुई किसी अनदर पॉइंट से आती हुई दिखेगी वो ये था तो ये ओ डैश हो जाएगा इनमें जो ये डिफरेंस आया है शिफ्टिंग ये एस इक्वल टू कितना होगा आपके पास एस इक्वल टू टू बाय थ्री मतलब सेंटीमीटर आ जाएगा अगर ये पॉइंट सेंटीमीटर हुआ तो लेंस से इफेक्टिव डिस्टेंस क्या हो जाएगी उसकी ऑब्जेक्ट की नाइन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर हो जाएगी मेरी बात क्लियर अगर ये नाइन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर है तो उस केस में इसके लिए इमेज की पोजीशन क्या होगी वन बाय वी डैश इक्व माइनस वन बाय यू यू क्या है नेगेटिव माइनस नाइन पॉइंट फाइव इज इक्वल टू वन बाई आप इसको उधर लेकर जाएंगे माइनस माइनस प्लस हुआ तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा वन बाय फाइव माइनस टेन बाय नाइनटी फाइव आप नाइनटी फाइव एल्शियम ले सकते हैं इधर कितना आ गया 19 माइनस टेन तो आपके पास 9 बाई नाइन्टी आ गया v डैश की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 95 फाइव बाई नाइन राइट और आप क्या लिख सकते हैं ये कितना आ गया 10.55 सेंटीमीटर आ जाएगा कहने का मतलब जो स्क्रीन की नई डिस्टेंस है नई पोजीशन है वो यहाँ आ जाएगी जो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर होगी 10.55 सेंटीमीटर पर होगी इसका मतलब जो ओरिजिनल आपके पास थी इसकी पोजीशन, उससे कितना आगे शिफ्ट कर दिया आपने डी तो इस डी की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी डी इक्वल टू 10.55 पॉइंट -10 फाइव माइनस टेन इक्वल टू पॉइंट सेंटीमीटर और स्क्रीन से पहले के कंपैरेटिवली दूर कर दिया है तो लिख सकते हैं अवे फ्रॉम द स्क्रीन हो जाएगा ओके okay? नेक्स्ट इसका आंसर देखिए पॉइंट फाइव फाइव सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस इसका आंसर फर्स्ट आ जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए टू प्लेन मिरर आर इनक्लाइंड टू ईच अदर सच दैट रे ऑफ लाइट इंसिडेंस ऑन द फर्स्ट मिरर एम वन and parallel to the second mirror m2 is finally reflected from the second mirror parallel to the first mirror the angle between the two mirror will be ye aapke paas do mirror hai maan lijiye ye kisi angle par inclined hai और वो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन आपके पास क्या है थीटा ये आपके पास पहला मिरर है ये आपके पास दूसरा मीर अब अगर हम बात करें यहां से कोई रे पहले पर वो कह रहा है इंसिडेंस हो रही है और वो पैरेलल है किसके फर्स्ट मिरर के सॉरी सेकंड मिरर के पैरेलल है पैरेलल है तो ये दोनों एंगल सेम होंगे ये एंगल क्या होगा ठीक यहां से रे रिफ्लेक्ट होगी ये पैरेलल थी किसके M2K, टू क्लियर अब देखिए उस केस में अगर मैं एंगल की बात करूं ये थीटा है इंसिडेंस एंगल क्या हो गया 90 माइनस थीटा इंसिडेंस 90 माइनस थीटा है तो रिफ्लेक्टेड भी क्या हो गया 90 माइनस थीटा तो ये एंगल वापस क्या हो गया थीटा इसका मतलब जो ग्लैंसिंग एंगल है वही बाद में होगा अब यहां से ये रिफ्लेक्ट होगी जब ये रिफ्लेक्ट हुई तो ये इस डायरेक्शन में जाएगी और वो कह रहा है कि ये पहले मिरर के पैरेलल हो जाती है ये पैरेलल है किसके M1 के अगर ये M1 के पैरेलल है तो ये एंगल सेम होगा बिकॉज ये दोनों पैरेलल है ये ठिट्टा है तो ये भी क्या होगा ठिट्टा एक ट्राइंगल बन गया है आपके पास जिसके एंगल ठिटा 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 तो आप लिख सकते हैं ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है वन तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा थीटा इक्वल टू सिक्सटी डिग्री इसका रिजल्ट आ जाएगा ओके तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा इसका सेकंड हो जाएगा ओके नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपके पास फोर्थ क्वेश्चन देखिए ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इन एयर इन फ्रंट ऑफ ए सरफेस ऑफ ए प्लानो कन्वेक्स लेंस द रेडियस ऑफ करवेचर सरफेस इज थर्टी सेंटीमीटर राइट right? ये थर्टी सेंटीमीटर है एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटीरियल इज वन पॉइंट फाइव लेंथ ऑफ लेंस इज देखो प्लेनो लेंस है तो ये प्लेनो है ये एक प्लेन है और एक करोड़ है और ऑब्जेक्ट को करोड़ के पास कहीं रखा है ये रेडियस आर वन है इसका देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा इधर पोल ये रहा सब डिस्टेंसेज पोल से मेजर करते हैं रे इधर को जानी है तो रे की डायरेक्शन ये होगी तो इस डायरेक्शन की सब वैल्यू पॉजिटिव लेनी है अपोजिट वाली सब नेगेटिव लेनी है लेंस मेकर फॉर्मूला आपको क्या बताता है 1 बाय एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन वैसे म्यू टू बाय म्यू वन होता है म्यू टू का मतलब लेंस के मटेरियल का म्यू वन उसके सराउंडिंग का ओके और ये होगा म्यू टू बाय म्यू वन माइनस वन वन बाय आर वन माइनस वन बाय आपके पास आर वन सरफेस की रेडियस प्लस आर होगी और आर टू प्लेन है प्लेन की करवेचर जीरो होगी और रेडियस इंफाइट देखिए रेडियस ऑफ करवेचर और करवेचर बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इच अदर कर्वेचर इसकी जीरो है लेकिन रेडियस ऑफ करवेचर इंफानाइट तो वन बाई एफ ये आपके पास 1.5 पॉइंट सराउंडिंग क्या है ये सराउंडिंग का मटेरियल है जो कितना है वन और ये इसका मटेरियल है वो कितना है 1.5 पॉइंट तो आपके पास 1.5 पॉइंट फाइव माइनस वन इंटू वन बाई आर माइनस इनफाइनाइट। तो आपके पास ये कितना आ गया 0.5 आ गया जिसे 1 बाई टू लिखेंगे तो फोकल लेंथ 2r आ जाएगी ओके फोकल लेंथ 2r आर और 2r आर का मतलब आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा इसका 60 सेंटीमीटर ये एक सब्जेक्टिव टाइप था और इंटीजर टाइप था जिसका आंसर क्या आएगा 60 सेंटीमीटर आ जाएगा क्लियर यहां एक चीज और ध्यान रखना आप लोग जब भी आपके पास लेंस दिया होगा ना और अगर ये लेंस ग्लास का बना है रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सेम है उस केस में ग्लास के लिए मतलब 1.5 पॉइंट इंडेक्स का बना हो उस केस में फोकल लेंथ ऑलवेज आर के बराबर होती है राइट right? अगर ये, ये इक्वी कन्वेक्स था अगर इक्वी कंकेव हुआ सेम आर आर हुआ तो ग्लास के लिए माइनस आर हो और अगर आपके पास प्लेनो कन्वेक्स हुआ तो इसकी फोकल लेंथ प्लस टू आर होती है ये याद ही रख लेना ओके? और अगर आपके पास प्लेनो कनकेव हुआ तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी माइनस टू आर हो जाएगी उसकी रेडियस ऑफ करवेचर के बराबर डबल हो जाएगी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट देखिए

कन्वेक्स है और दूसरा प्लेनो कनकेव है देख राइट एक उसका सफेरिकल सरफेस आर है दूसरा इनफाइनाइट है क्योंकि प्लेनो है दोनों के दोनों ओके तो वन बाय वन इज इक्वल टू क्या होगा म्यू वन माइनस वन वन बाय आर माइनस इन्फाइट क्योंकि ये ऐसा होता है ना तो ये प्लस आर हो गया और यह इनफानाइट दूसरे वाला ऐसा होता है तो ये माइनस आर हो जाएगा और ये इंफाइनाइट हो जाएगा तो यहां से देखिए आपके पास एफ वन की वैल्यू क्या होगी आर बाय म्यू वन माइनस वन ऐसे ही अगर मैं दूसरे की बात करूं वन बाय एफ टू इक्वल टू म्यू टू माइनस वन वन बाय माइनस आर और माइनस इनफानाइट तो यहां से एफ टू की वैल्यू क्या होगी माइनस आर बाय म्यू टू माइनस वन अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि एफ वन का मैग्नीट्यूड एफ टू के मैग्नीट्यूड का डबल है मतलब आपने साइन नहीं लेना तो इसका मतलब आपके पास क्या रिजल्ट आ गया इसका मतलब आप लिख सकते हैं एफ वन इक्वल टू डबल ऑफ मॉड ऑफ एफ टू एफ वन आपके पास आर बाय म्यू वन माइनस वन है इक्वल टू टू आर बाय म्यू टू माइनस वन है आर से आर कैंसिल हो जाएगा आपके पास इस केस में आप क्रॉस करोगे इसका क्रॉस प्रोडक्ट तो म्यू टू माइनस वन इक्वल टू टू म्यू वन माइनस टू तो इसको इधर उधर करोगे तो क्या आया टू म्यू टू माइनस म्यू वन इक्वल टू वन आ जाएगा आपके पास रिजल्ट क्या होगा इसका सेकेंड आ जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी द वेरिएशन ऑफ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए क्राउन ग्लास थिन प्रिजम थिन प्रिजम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंस लाइट इज शो ये क्या है इज इंक्रीजेस रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है ओके? ऑफ़ द फॉलोइंग ग्राफ़ इज द करेक्ट वन। इफ़ इज़ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो ये मिनिमम डेविएशन और लैम्डा में है आपको पता है थिन ग्लास के लिए लैम्डा मिनिमम कितना होता है ए म्यू माइनस वन होता है ए क्या है एंगल ऑफ प्रिजम म्यू क्या है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जब लेमडा इंक्रीज होने म्यू की जगह एन ले रखा है एन डिक्रीज हो रहा है तो आप कह सकते हो कि लेमडा इंक्रीज होने पर डेविएशन क्या होगा डिक्रीज होगा बात क्लियर तो यहां देखिए लेमडा के इंक्रीज होने पर इंक्रीज हो रहा है गलत लेमडा के इंक्रीज होने पर पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ गलत लेमडा इंक्रीज होने पर ये इंक्रीज हो रहा है गलत इंक्रीज होने पर डेल्टा डिक्रीज हो रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेवेंथ क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस ट्वेंटी मीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ पॉइंट थ्री मीटर द लेंस फॉर्म एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट मूव अवे फ्रॉम द लेंस एट ए स्पीड फाइव मीटर पर सेकेंड द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ इमेज विल बी देखिए कन्वेक्स लेंस की बात की है इस कन्वेक्स लेंस के लिए अगर मैं एक छोटी सी बात करूं फोकल लेंथ इसका 0.3 मीटर है इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां है 2f और इनफाइनाइट के बीच में है राइट इस केस में वो कह रहा है कि ये किधर जा रहा है द ऑब्जेक्ट मूव अवे फ्रॉम द लेंस ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है जब ऑब्जेक्ट दूर जाएगा देखो 2f वाले ऑब्जेक्ट की इमेज कहां होती है 2f पर ही होती है जितना साइज होता है ऑब्जेक्ट का उतना ही इमेज का होता है मेरी बात क्लियर अब अगर आप 2f से इंफाइट जाएंगे तो इमेज 2f से f की ओर आएगी जब ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो इमेज इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी तो इसका मतलब आपके पास ये दो ऑप्शन तो कभी नहीं होंगे कौन कौन से अवे फ्रॉम द लेंस नहीं हो सकता टूआर्ड द लेंस होगा अगर वो टूआर्ड द लेंस है तो कैसे होगा देखिए इसके लिए आपके पास 20 मीटर पर है पॉइंट मीटर फोकल लेंथ है ये रहा कोई ऑब्जेक्ट सॉरी लेंस ये है कोई ऑब्जेक्ट और ये इसकी है इमेज इनकी डिस्टेंस यहां से क्या है यू और यह डिस्टेंस क्या है वी अगर मैं यूज करूं लेंस फॉर्मूला वन बाय वी माइनस वन बाय यू इक्वल टू वन बाय एफ हम इसका डिफरेंशियल ले, ले लेते हैं टाइम के रेस्पेक्ट तो वी माइनस वन यू माइनस वन फोकल लेंथ कांस्टेंट होती है कांस्टेंट का डिफरेंशियल आपको पता ही है क्या रहता है जीरो इसका क्या हो गया माइनस वन बाई वी स्क्वेयर डी वी बाई डी टी प्लस माइनस माइनस प्लस वन बाई यू स्क्र डी यू बाई डी टी इक्वल टू जीरो इसका मतलब आप लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू वी बाय यू का स्क्वेयर डी यू ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू लेंस इक्वल टू मैग्निफिकेशन का स्क्वायर लिख सकते हैं और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू लेंस लेंस रेस्ट में है तो इमेज की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी क्वेश्चन में दे रखा है ऑब्जेक्ट इधर को जा रहा है तो डेफिनेटली इमेज भी इधर को जाएगी मतलब उसके पास आएगी मैथमेटिकल भी प्रूफ हो गया है अब आपको इसकी वैल्यू पता करनी है आपको फोकल लेंथ कितना दिया है इसकी पॉइंट थ्री मीटर दिया है और आपको u की वैल्यू दी है कितनी है ये ये वैल्यू है ट्वेंटी मीटर आपको v पता करना है लेंस फॉर्मूला वन बाई वी माइनस ऑब्जेक्ट नेगेटिव माइनस ट्वेंटी इक्वल टू वन बाय पॉइंट थ्री आप लिख सकते हैं वन बाई वी इक्वल टू टेन बाई थ्री माइनस वन बाय ट्वेंटी तो ये आ गया वन नाइनटी सेवन बाय सिक्सटी आ जाएगा क्लियर आपके पास वी u की वैल्यू क्या होगी v इक्वल टू सिक्सटी बाय वन नाइनटी सेवन तो वी u आपके पास कितना हो गया सिक्सटी बाय वन नाइन्टी सेवन ओवर ट्वेंटी ये हो गया थ्री बाय वन नाइन्टी सेवन आप इसे अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं थ्री बाय टू हंड्रेड मैंने अप्रोक्सीमेट लिया है इसको ये आपके पास आ गया थ्री बाय टू हंड्रेड अप्रोक्सीमेट तो आपके पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी एम स्क्वेयर कितना है नाइन बाय फोर हंड्रेड सॉरी फोर्टी थाउजेंड टू हंड्रेड का स्क्वेयर इनटू इसकी वैल्यू दी है फाइव मीटर पर सेकेंड आपके पास हो गया फोर्टी फाइव बाय फोर इंटू टेन रेस टू पावर माइनस फोर इससे आपके पास रिजल्ट क्या आ गया वन वन पॉइंट वन जीरो मतलब अप्रोक्सीमेट टू इंटू टेन डेज टू पावर माइनस फोर मीटर पर सेकेंड आ जाएगा हम आंसर पर आते हैं आपको आंसर दिया है थ्री पॉइंट टू टू माइनस थ्री तो इसको आप लिख सकते हैं वन पॉइंट वन टू इंटू टेन डेज टू पावर माइनस थ्री मीटर पर सेकेंड तो वन पॉइंट वन टू इंटू टेन डेज टू पावर माइनस थ्री 1.16 आ जाएगा और टू द लेंस आ जाएगा इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंस एट ए सर्टेन एंगल ऑन ए इक्विलेटरल इक्वेट्रल प्रिज्म एंड सफर्स मिनिमम डेविएशन इफ द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन देखिए मिनिमम डेविएशन के लिए क्या है पहली बात ट्रायंगुलर दिया है और वो भी इक्विलैटरल ट्रायंगुलर है तो ये एंगल आपके पास कितना हो गया इसका 60 डिग्री हो जाएगा ओके अब देखिए मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होता है मिनिमम डेविएशन में जब कोई रे इंसिडेंस होती है और मिनिमम डेविएशन हो यहां पर उस केस में आप क्या लिखते हैं यहां पर दो रिफ्रैक्टिव एंगल होंगे आपके पास एक तो ये होगा ये r1 है और ये वाला आर टू ये वाला एंगल ए है आपके पास आपको पता है ऑलवेज प्रिज्म के लिए आर वन प्लस आर टू इक्वल टू ए होता है लेकिन जब डेल्टा डेल्टा कौन सा है इसमें इसको अगर मैं आगे लेकर जाऊं तो इसका जो एंगल होगा ये डे, डेविएशन होता है और इस डेविएशन की वैल्यू अपन लिखते हैं आई प्लस ई कौन सा है ये वाला बाहर इमर्ज होने वाला एंगल ई e. और माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म होता है राइट right? और जब थिन प्रिज्म होता है, तो उस केस में आई को आप क्या लिख सकते हैं देखो साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर वन आई एंगल छोटा था तो आई इक्वल टू म्यू आर वन हो गया तो आप इसे म्यू आर वन लिखेंगे म्यू मटेरियल का रिफ्रेक्ट ऐसे इसके लिए साइन इक्वल टू म्यू साइन आर टू तो इसको लिखेंगे म्यू आर टू और माइनस ए कॉमन लेंगे तो आर प्लस आर वन प्लस आर टू ए होता है तभी मैंने आपको जो पहले बताया था कि थिन प्रिजम के लिए डेविएशन ये लेते हैं हालांकि इस क्वेश्चन में इसका कोई काम नहीं था मिनिमम डेविएशन की बात कर रहे हैं जब डेल्टा आपके पास मिनिमम होता है इसको डेराइव किया जाता है आर वन और आर टू इक्वल होंगे और कितने होंगे ए बाय मतलब कितना होगा थर्टी डिग्री इस सरफेस के लिए मैं लिख सकता हूं साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर वन और म्यू आपको कितना दिया है रूट थ्री दे रखा है तो आप लिख सकते हैं रूट थ्री साइन आर वन आर वन कितना है थर्टी और साइन थर्टी वन बाय टू होता है तो इसका मतलब साइन आई इक्वल टू रूट थ्री बाय टू तो आई कितने का हो गया सिक्सटी डिग्री का हो जाएगा आंसर क्या होगा आपके पास सेकेंड आंसर आ जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए

कैन सी द इमेज ऑफ द लाइट सोर्स इन द मिरर मिरर के अंदर कब तक देख पाएगा फील्ड ऑफ व्यू का क्वेश्चन है देखिए फील्ड ऑफ व्यू में क्या होता है ये आपके पास कोई मिरर है और इस मिरर के बिल्कुल मिड पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो इस पॉइंट पर कोई भी इसको कब तक देख पाएगा जब तक रे इसके बिल्कुल लास्ट पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर उस तक नहीं जाती क्लियर इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी आपके पास वो ये होगी अगर ऑब्जेक्ट आपके पास एल डिस्टेंस पर है तो इमेज भी कहां होगी और ये आपके पास कितना है टू एल है और इमेज इसकी ए से बी तक दिखेगी ये इसका मिड पॉइंट होगी मेरी बात क्लियर आपके पास इस ट्राइंगल के अंदर या दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको इस तरह से दो ट्राइंगल है मैं थोड़ा इमेज को इसको डायग्राम को थोड़ा छोटा बना लेता हूं यह टोटल डिस्टेंस ए, टू एल प्लस एल ये आई पॉइंट है आपके पास और यह टोटल डिस्टेंस आपके पास थ्री एल हो गई क्लियर यह आपके पास मिरर है और इस मिरर की लेंथ डी और ये डिस्टेंस एल है आपको ये वाई पता करना है तो सिमिट्री से देखिए आपको पता है वाई बाई डी कैसे सिमिट्री जितना एंगल दोनों में कॉमन है ये एंगल सेम है राइट उस केस में इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा अगर मैं यहां से देखूं ये इनकी हाइट है तो वाई बाई डी इक्वल होगा इसकी हाइट क्या है थ्री एल बाय इसकी क्या है एल तो इसका मतलब वाई इक्वल टू क्या आ गया आपके पास थ्री डी आ जाएगा ओके okay? तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा थ्री डी हो जाएगा फर्स्ट आंसर आ जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्न बाय लेंस कॉम्बिनेशन शो इन द फिगर एफ वन एंड एफ टू आर फोकल लेंथ देखिए किसी भी लेंस के लिए u नेगेटिव का मतलब रियल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है ओके आपको कोई कहता है कि u एक नेगेटिव इसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है और u पॉजिटिव है तो इसका मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है कोई रियल ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब उसके लिए उस वो क्या है रियल ऑब्जेक्ट है तो यू नेगेटिव है वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो यू क्या लोगे पॉजिटिव अगर लेंस में वी पॉजिटिव आ गया तो तो है रियल चाहे कोई सा भी लेंस हो तो, तो क्या आ गया रियल इमेज आ गई वी पॉजिटिव तो रियल इमेज और अगर आपके पास वी नेगेटिव आया तो क्या होगी वर्चुअल इमेज मेरी बात क्लियर इन्हीं से ही पता लग जाएगा और इन्वर्टेड और इरेक्ट का पता करना है अगर एम पॉजिटिव आ गया अगर एम आपके पास पॉजिटिव है तो इरेक्ट होगी और अगर एम आपके पास नेगेटिव है तो इसका मतलब इन्वर्टेड होगी राइट और लेंस के लिए एम की वैल्यू वी बाई यू होती है मिरर में वी बाई यू की बजाय माइनस वी बाई यू होती है Mirror में u और v दोनों नेगेटिव हो तो दोनों रियल होंगे दोनों virtual हैं तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे पर पर u positive तो तो और v है। तो है, मेरी बात अब अपन आते हैं। ये रखा है दो लेंस इसका मतलब दो बार यहां से इसका रिफ्रेक्शन होना है सिंपल फॉर्मूला पुट करेंगे ये दोनों के बीच की distance टू दी है ओके okay? तो पहले पहले ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट इमेज निकाल लेंगे जो पहले की इमेज पहले के लिए इमेज होगी वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो देखो वन बाय वी वन माइनस ट्वेंटी है तो वन बाय माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू इसकी फोकल लेंथ क्या है पॉजिटिव है वन बाय फाइव देन वन बाय वी वन इज इक्वल टू वन बाय फाइव माइनस वन बाय ट्वेंटी क्लियर तो ट्वेंटी एलसीएम आया आपके पास तो उस केस में क्या आ गया थ्री बाय ट्वेंटी इसका मतलब वी वन की वैल्यू ट्वेंटी बाय थ्री आई है कितनी आई है ट्वेंटी बाय थ्री आई है और ट्वेंटी बाय थ्री का मतलब सिक्स पॉइंट समथिंग आई है लेकिन दूसरा लेंस तो टू सेंटीमीटर पर था इसका मतलब I1 वन यहां कहीं बनेगी जो यहां से कितनी होगी यहां से होगी ट्वेंटी बाय थ्री तो यहां से क्या होगी इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो ये आपके पास यू टू है तो यू टू आपके पास कितना आ गया यहां से देखिए यू टू निकाल लें तो यू टू आपके पास क्या आ जाएगा ट्वेंटी बाय थ्री माइनस टू हो गया तो ये सिक्स और फोर्टीन बाय थ्री आ गया। अब दूसरे u की वैल्यू पॉजिटिव आई है कैसे क्योंकि इधर इधर जा रही है ना? वाली वैल्यू नेगेटिव होगी वो वाली पॉजिटिव तो इसका मतलब उसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, का काम कर रहा है। फोकल लेंथ तो उसकी नेगेटिव है तो वन बाई बी टू माइनस थ्री फोर्टीन इक्वल टू माइनस वन बाय फाइव आप उधर लेकर जाएंगे वन बाय वी टू माइनस वन बाय फाइव प्लस थ्री बाय फोर्टीन आपके पास एल्सियम आया कितना सेवनटीन ये कितना आया माइनस फोर्टीन प्लस फिफ्टीन तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया प्लस वन बाय सेवनटीन तो इसका मतलब टू की वैल्यू प्लस सेवन आएगी इस लेंस से सेवनटी सेंटीमीटर यहां कहीं आएगी ये आपके पास फाइनल इमेज होगी मैंने बताया आपको उधर है तो पॉजिटिव है पॉजिटिव का मतलब रियल डिस्टेंस सेवनटी सेवनटीन दोनों में आ रहा है पॉइंट बी से लेफ्ट लेफ्ट ये होता है वो क्या है राइट right और वो क्या है रियल तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ आंसर हो जाएगा इससे राइट right में राइट right? उसकी तरफ देखने पर जिस साथ जा रहा है ये क्या राइट right हैंड तो किधर राइट right में जाएगा ओके okay? और रियल होगा रियल क्यों होगा क्योंकि वी पॉजिटिव आया और पॉजिटिव हमेशा क्या होता है मैंने अभी बताया था रियल इमेज को रिप्रेजेंट करता है नेक्स्ट देखिए इलेवेंथ क्वेश्चन देखिए प्लेनो इनकोक्स लेंस फोकल लेंथ एफ टू एंड रेफ्रेक्टिव एंडक्स म्यू टू रेडियस ऑफ कर्वेचर आर फिट एक्जेक्टली इन टू ए प्लेनो कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ एफ वन रेफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ देयर प्लेन सरफेस आर पैरल टू ईच अदर देन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी, देखिये दो फोरबुल एक तो यह भी होता है एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो आपके पास ये आ जाएगा एफ वन माइनस एफ टू बाय एफ वन एफ टू मतलब एफ इक्वल टू क्या होगा एफ वन एफ टू बाय वन माइनस एफ टू लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन आपको नहीं दे रखा इसका मतलब ये तो नहीं होगा ओके अब हम दोनों की अलग अलग फोकल लेंथ देखते हैं ये प्लेनो कॉन्वेक्स है वो प्लेनो कनकेव था तो कनकेव के लिए क्या हो गया वन बाय एफ वन इक्वल टू म्यू वन बाय माइनस आर पता लग गया ना अभी आपने पीछे ऐसा क्वेश्चन किया था दूसरे के लिए वन बाय एफ टू क्या हो गया म्यू टू माइनस वन बाय प्लस ये अपने आप नेगेटिव आ गया है तो डायरेक्ट फॉर्मूले में नहीं रखते मैंने वहां पर वैल्यू रखी थी यही करते हैं मैंने एफ वन की वैल्यू नेगेटिव रखी थी एफ टू की पॉजिटिव अब देखिए जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास एफ वन क्या है माइनस आर बाय म्यू वन माइनस वन और ये प्लस आर बाय म्यू टू माइनस वन राइट सॉरी उल्टा लिख दिया है आपने उल्टा लिख दिया सॉरी आपके पास वन बाय एफ इक्वल टू एफ वन और प्लस वन बाई एफ टू था वन बाय एफ वन की वैल्यू ये थी क्या थी म्यू वन माइनस वन बाय माइनस आर और ये थी म्यू टू माइनस वन बाय प्लस आर आपके पास आर एल्शियम आ गया तो ये माइनस था तो माइनस म्यू वन प्लस वन आ गया और ये प्लस म्यू टू माइनस वन आ गया ये कैंसिल हो गया आपके पास म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर आ जाए फोकल लेंथ पूछा है ये वन बाय एफ था इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा फोर्थ आंसर आ जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज यूजिंग ए बाईक शो बिलो इफ ऑल सेटअप इज इमर्ज इन वाटर without disturbing the object and the screen position what will be observed on the screen kuch nahi observe hoga kya dekho air ke andar focal length kya thi 1 by f equal to <coughs> mu minus 1 1 by r1 minus r2 जैसे ही आप इसे water में shift करोगे तो focal length change हो जाएगी म्यू बाय म्यू वाटर आ जाएगा और जब इसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी तो इसका एफ चेंज होने से क्या होगा वी चेंज हो जाएगा ये वी है ना तो वी भी क्या है चेंज हो जाएगी लेकिन वो कह रहा है कि ये डिस्टेंसेस तो आप चेंज कर ही नहीं रहे और इमेज स्क्रीन पर दिखनी थी स्क्रीन आप चेंज कर नहीं रहे पहले क्वेश्चन आया था तो ना स्क्रीन को कितना शिफ्ट किया जाए तो शिफ्ट तो हो नहीं रही और जब स्क्रीन शिफ्ट नहीं हो रही तो स्क्रीन पर आप इमेज वहां स्क्रीन पर आप इमेज नहीं देख पाओगे वट विल वन ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन इमेज डिस अपियर। वहां कोई इमेज नहीं दिखेगी नेक्स्ट देखिए थर्टी नंबर क्वेश्चन देखिए एन अपराइट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस फोर्टी सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जेंट लेंस मतलब कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर मतलब प्लस 20 सें एक कन्वर्जेंट मिरर मतलब कनकेव मिरर अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर मतलब माइनस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर ऑन द अदर एंड अदर साइड ऑफ द लेंस द पोजीशन एंड द साइज ऑफ द फाइनल इमेज विल बी ओके आपके पास एक उसने लेंस रखा है राइट right? और उस लेंस की फोकल लेंथ आपको दी है 20 सेंटीमीटर इससे उसने क्या किया दूसरी तरफ 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक कन्केव मिरर रख दिया और इसकी फोकल लेंथ आपके पास है 10 सेंटीमीटर राइट right? और इस लेंस से उसने क्या किया 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है ओके okay? अब देखिए आपको फाइनल इमेज की क्या करनी है पोजीशन पता करनी है और उसका साइज पता करना है ये दो चीजें पता है। देखो यहां कोई एक ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये 2f है 2f क्या है इसके लिए 40 तो 2f की इमेज 2f पर ही बनती है तो 2f की इमेज 2f पर ही बन गई जो साइज इसका होगा वही साइज इसका हो जाएगा ये पहली इमेज बन गई मेरी बात क्लियर और इसकी ये डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है जो यहां से 20 सेंटीमीटर पर है किसी कन्केव मीर के टू एफ पर रखे ऑब्जेक्ट की ये क्या था ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है तो इसकी इमेज जो होगी वो यही बनेगी क्योंकि ये भी क्या है टू एफ है ये भी टू एफ है टू एफ कितना है इसके लिए ट्वेंटी से तो किसी भी कन्वेक्स <coughs> लेंस के टू एफ पर रखा ऑब्जेक्ट इधर टू एफ पर इमेज बनाएगा किसी कन के मीर के टू एफ पर रखा ऑब्जेक्ट वही उसकी अपो उल्टी इमेज बनाएगा इमेज ऑब्जेक्ट नीचे को था तो इमेज ऊपर को बन गई कहने का मतलब इमेज का साइज वही होगा जो अनिशियली था ऑब्जेक्ट का राइट वही एच अच्छा हाइट है और सीधी थी तो यह भी सीधी अपराइट ही बनेगी और कितनी पर बनेगी ऑब्जेक्ट से सॉरी लेंस मिरर से कितना ट्वेंटी सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट से कितने पर होगी ये 80 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनेगी ओके नेक्स्ट देखिए सॉरी तो इसने कहा है ऑप्शंस में देखो फोर्टी सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस सही कह रहा है लेंस से फोर्टी सेंटीमीटर पर है ये डिस्टेंस कितनी है 40 सेंटीमीटर है ओके okay? तो 40 सेंटीमीटर लेंस से है यह बात सही है सेम साइज की है ऑप्शन सही है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर और साइज डबल है गलत 40 सेंटीमीटर लेंस से साइज डबल गलत 20 सेंटीमीटर और साइज उसका क्या है सेम सॉरी सॉरी पहला गलत हो गया पहला क्या था आपके पास 40 सेंटीमीटर मिरर से है मिरर से तो 20 पर है मिरर से 20 पर है लेकिन लेंस से 40 पर है तो ये आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर एंड सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन द फिगर द ऑप्टिकल फाइबर ऑफ लेंथ 2 सेंटी 2 मीटर ये 2 मीटर है हैज़ ए डायमी डी 20 माइक्रोमीटर एरिया ऑफ लाइट इज इंसिडेंस ऑन वन एंड ऑफ द फाइबर एट एन एंगल थीटा वन फोर्टी डिग्री द नंबर ऑफ़ इट मेक्स बिफोर इमर्जिंग फ्रॉम द अदर एंड देखो यहां से गई टू पर गई है ओके क्लियर थीटा टू एंगल पर जाएगी इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फाइबर का आपको वन पॉइंट थ्री वन है तो यहां से आप लिख सकते हैं ना साइन फोर्टी इक्वल टू म्यू साइन थर्टी सॉरी थीटा टू कोई कंफ्यूजन आप लिख सकते हैं साइन थीटा टू इक्वल टू साइन फोर्टी की वैल्यू पॉइंट सिक्स फोर थी बाय वन पॉइंट थ्री वन है ये कितना आया अप्रोक्सीमेट वन बाय टू आ जाएगा इसका जस्ट डबल हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट राइट एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि 1.28 बाय 1. जस्ट उसका हाफ है तो हाफ है तो एप्रोक्सीमेट हाफ है तो एप्रोक्सीमेट एंगल कितना होगा 30 हालांकि ये एंगल थोड़ा सा कम हो मेरी बात क्लियर 30 नहीं होगा 30 से थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा होगा ओके okay? क्लियर तो लेकिन अपन इसको एप्रोक्सीमेट 30 ले लेते अब ये 30 है ये आपके पास डी है ये आपको डिस्टेंस एक्स पता करनी तो आप एक रिफ्रैक्शन में कितनी डिस्टेंस देख रहे हो x इक्वल टू डी कॉट थर्टी देख रहे हैं। मतलब d रूट थ्री होगी आपके पास n रिफ्रैक्शन होंगे तो nx एक्स इक्वल टू टोटल लेंथ l हो जाएगी तो n इक्वल टू क्या हो गया टोटल लेंथ एल आपको दे रखी है कितनी दी है टू मीटर बाय एक्स कितना है डी रूट थ्री डी कितना है ट्वेंटी माइक्रोमीटर इंटू रूट थ्री ये आपके पास कैंसिल हो गया टेन से तो ऊपर जाएगा तो ये कितना बच गया पॉइंट फाइव सिक्स सिक्स वन बाय रूट थ्री को क्या लिख सकते हो आप रूट थ्री बाय थ्री लिख सकते हैं तो वन पॉइंट सेवन थ्री बाय थ्री लिखेंगे तो ये आ गया लगभग पॉइंट फाइव सिक्स सिक्स आ जाएगा ओके इंटू टेन डेज टू पावर आपके पास कितना हो गया प्लस का फाइव हो गया तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा फिफ्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड के करीब आ जाएगा लेकिन आपने क्या एंगल थोड़ा सा क्या लिया था ज्यादा लिया कम लिया था तो ज्यादा करेंगे ये वैल्यू और कम हो जाएगी उसमें रिजल्ट और बढ़ जाएगा अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 57 क्योंकि इनसे तो ज्यादा आएगी लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं आएगी वो 66 हो जाए ओके okay? तो सेकंड आंसर आ जाएगा नेक्स्ट देखिएमीटर एंड ए हैविंग देयर प्रिंसिपल एक्सेस अलोंग द सेम लाइन आर कैप्ट सेंटीमीटर अपार्ट इच अदर कनकेव मिरर इज टू द राइट ऑफ द कन्वेक्स लेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस थर्टी सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द कन्वेक्स लेंस इट्स इमेज रिमेन एट द पोजिशन इवन इफ मिरर इज रिमूव देखो कनकेव मिरर को रिमूव भी कर दोगे इमेज वहीं रहेगी अभी क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन है देखिए ये आपके पास क्या था एक लेंस था और ये आपके पास एक कनके मीर है क्वेश्चन बड़ा अच्छा है क्वेश्चन के अंदर ही आपको सॉल्यूशन दे दिया इसने एफिकवल टू ट्वेंटी सेंटीमीटर और उसने कहा है कि ये एक ही लाइन पर एट्टी सेंटीमीटर पर रखे हैं राइट द कनकेव मीर इज द राइट ऑफ द कन्वेक्स लेंस न एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट ए डिस्टेंस थर्टी सेंटीमीटर यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है देन क्या कहता है द कन्वेक्स लेंस इट्स इमेज रिमेन एट द सेम पोजिशन इवन द कनके मीर इज रिमूवड ओके क्यूशन कनके मीर का है लेकिन इसने कन्वेक्स लेंस देख कर के आपसे पूछा है देखो इसको जब यहां ऑब्जेक्ट होगा तो इसकी इमेज कहा होगी वन बाई वी माइनस वन बाई माइनस माइनस वन बाय थर्टी इसको सिंप्लीफाई करेंगे वन बाय इसका मतलब वी कितना हो गया इसका मतलब क्या है आपके पास इसका मतलब है कि जब आप यहां से एक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज यहां बनती है, राइट right? अब वो कहता है अगर इसको रिमूव भी कर दे तो भी फाइनल इमेज यही बनेगी इसका मतलब ये टू एफ है जब ये पड़ा था तो ऑब्जेक्ट ये आई वन इसके लिए ऑब्जेक्ट का, का काम करेगी और इस ऑब्जेक्ट की इमेज भी यही बनेगी आपने इसे रिमूव कर दिया तो इस अकेले ने बनाना है, तो भी वही बन रही इसका मतलब जो इसके कारण इमेज बन रही थी वो इस लेंस मिरर के 2f पर थी। ये डिस्टेंस 80 है, और आपके पास ये अभी पड़ा है कितना 60। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं टू एफ इक्वल टू ट्वेंटी है तो एफ कितना हो गया 10. मेरी बात क्लियर अब आइए क्वेश्चन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है आपको पता लग गया फोकल लेंथ कितनी आई है टेन सेंटीमीटर अब देखो क्वेश्चन को लास्ट में क्या कहता है द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर विच दिस कंके मिरर बाय इट वुड प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज वो एक वर्चुअल इमेज कब बनाएगा आप लोगों ने पढ़ा है कनके मिरर के लिए जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगी उस केस में उसकी इमेज क्या बनती है यह फोकस है अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां होगा उसकी इमेज वर्चुअल बनती है मैक्सिमम डिस्टेंस मैक्सिमम क्या है पोल से उसकी फोकस है और फोकस की वैल्यू अभी निकाली है टेन सेंटीमीटर इसका मतलब वो क्वेश्चन में फोकल लेंथ पूछ रहा था और कुछ नहीं मेरी बात क्लियर नेक्स्ट देखिए

लेकिन उसका मैग्निफिकेशन फाइव है मतलब इसके कंपैरेटिवली इसकी साइज़ क्या है फाइव आप लिख सकते हैं इक्वल इक्वल क्या होता है माइनस आप लिख सकते हैं ये आपके पास पूछा क्या है उसका डिस्टेंस पूछी है ये एक्स है यह डिस्टेंस आपके पास वी है आप क्या लिख सकते हैं माइनस वी की वैल्यू पॉजिटिव ये माइनस एक्स इक्वल टू फाइव तो इसका मतलब वी इक्वल टू क्या है फाइव एक्स अब आप फॉर्मूला रखेंगे वन बाई वी प्लस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ वन बाई वी क्या है आपके पास वन बाय प्लस फाइव एक्स और ये क्या है वन बाय माइनस एक्स और फोकल लेंथ भी इसकी नेगेटिव होगी तो कितनी होगी माइनस पॉइंट फोर आप इसका एल्शियम निकाल लेंगे तो क्या आया फाइव एक्स इधर क्या बचा वन माइनस फाइव वन माइनस फाइव इक्वल टू माइनस वन पॉइंट फोर ये आपके पास माइनस से माइनस कट गया तो फोर बाय फाइव एक्स इक्वल टू वन बाई पॉइंट फोर तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया आपके पास वन पॉइंट सिक्स बाय फाइव तो आपके पास पॉइंट थ्री टू मीटर हो जाएगी इसका मतलब आंसर क्या हो गया फोर्थ हो जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इकनवेक्स लेंस फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर प्रोड्यूस इमेजेस ऑफ द सेम मैग्निफिकेशन टू व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट टू डिस्टेंस एक्स वन एंड एक्स टू फ्रॉम द लेंस द रेशियो ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू देखिए आपके पास क्वेश्चन दिया है काफी अच्छा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर उसने मैग्निफिकेशन की बात की है मान लीजिए मेरे पास ये लेंस था इससे एक्स डिस्टेंस पर है डेफिनेटली एक बार मैग्निफिकेशन प्लस टू होगा एक बार माइनस टू होगा मेरी बात क्लियर एक बार वर्चुअल इमेज होगी एक बार रियल इमेज होगी मान लो मैं एक्स डिस्टेंस पर रखता हूं फोकल लेंथ इसकी प्लस ट्वेंटी है तो उस केस में इमेज की डिस्टेंस क्या होगी वन बाई वी माइनस वन बाई माइनस एक्स इक्वल टू वन बाई ट्वेंटी तो वन बाई वी को मैं क्या लिखूंगा वन बाई ट्वेंटी माइनस वन बाई एक्सपेटी एक्स एक्स माइनस ट्वेंटी तो मैग्निफिकेशन तो क्या हो गया एम इक्वल टू वी बाई यू तो आपके पास क्या आ गया वी कितना है ट्वेंटी एक्स बायस माइनस ट्वेंटी ओवर यू क्या था माइनस एक्स एक्स से एक्स कैंसिल हो गया आपके पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई ट्वेंटी बाई ट्वेंटी माइनस एक्स होगा राइट right? एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव एक्स की ज्यादा वैल्यू पर ये नेगेटिव होगा क्लियर दिख रहा है ना एक्स की वैल्यू बीस से ज्यादा हो जाएगी तो नेगेटिव आएगा कम होगी तो पॉजिटिव एक्स वन बड़ा है इसका मतलब आप लिख सकते हैं जब x1 रखोगे 20 बाय ट्वेंटी माइनस एक्स वन देन क्या आएगा आपके पास माइनस टू आएगा 10 बच गया आप लिखोगे 10 इक्वल टू माइनस ट्वेंटी प्लस एक्स वन इसका मतलब x1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 30 आ जाएगी क्लियर अब दूसरा देखिए जब x की वैल्यू कम होगी तो ये पॉजिटिव होगा तो 20 बाय ट्वेंटी माइनस एक्स टू इक्वल टू प्लस टू होगा तो इसका मतलब 10 इक्वल टू ट्वेंटी माइनस एक्स टू तो x2 की वैल्यू 10 आ जाएगी दोनों का रेशियो पूछा है तो 30 बाय टेन आपके पास थ्री वो रेशियो वन हो जाएगा आंसर क्या होगा इसका आपके पास आंसर थर्ड सेकेंड आ जाएगा नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए एथिन कन्वेक्स लेंस एल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड ऑन ए प्लेन मिरर एम व्हेन ए पिन इज प्लेस्ड एट ए सच दैट OA इक्वल टू 18 सेंटीमीटर इट्स रियल इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्मड एट ए इटसेल्फ ए श्विन फिगर जब आप किसी ऑब्जेक्ट को यहां रखते हो इसकी इमेज भी यहीं बनती है कॉम्बिनेशन एक किसका काम करेगा यह कॉम्बिनेशन एक लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन एक मिरर का ही काम करेगा और यहां एक कन्वेक्स लेंस है और जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 है मैंने आपको बताया था 1.5 के लिए फोकल लेंथ क्या होती है आर ही होती है उस केस में आपके पास इसकी फोकल लेंथ क्या बन जाएगी आर ही बन जाएगी ओके okay? तो आपके पास ये डिस्टेंस क्या होगी इक्वालेंट लेंस की 2f होगी अब इक्वालेंट लेंस है क्या आपके पास ये एक कॉम्बिनेशन है जिसमें एक मिरर है और एक लेंस है और कॉम्बिनेशन में P इक्वालेंट क्या होता है डबल ऑफ P लेंस जितने भी हो प्लस P मिरर। पी एल को क्या लिखेंगे टू बाई एफ एल और ये जीरो है तो आपके पास कॉम्बिनेशन की इक्वालेंट फोकल लेंथ क्या होगी क्योंकि वो मिरर बन रहा है देखिए मिरर के लिए फोकल लेंथ माइनस वन बाई पावर होती है और लेंस के लिए प्लस वन बाय पावर होती है ओके तो आपके पास वन बाय माइनस वन बाय पावर तो माइनस एफ एल बाय टू हो जाएगी एफ एल अभी पढ़ा था क्या था आर था तो इसका मतलब आपके पास ये कितना आ गया माइनस आर बाय टू आ गया आपको इस क्वेश्चन के अंदर उसने दे रखा है कि इसकी डिस्टेंस ओ ए की एटीन है ये ए की डिस्टेंस एटीन है ये ए क्या होगा देखो टू एफ पर जब ऑब्जेक्ट होगा इमेज भी वही बनेगी ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम होंगे कहां पर होंगे एफ पर होंगे मेरी बात क्लियर तो उस केस में आप लिख सकते हैं टू एफ इक्वल टू क्या है आर बाय टू का टू आर इक्वल टू कितना दिया है एटीन इसका मतलब यहां से आपको सिर्फ एक बात पता चली है क्या पता चली है कि इस लेंस की रिफ्रैक्टिव इन सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 18 सेंटीमीटर आई है और कुछ नहीं पता लगा मेरी बात क्लियर नेक्स्ट देखिए अब मैं आगे चलू अगर मैं सेकंड केस देखता हूं इसका इसके सेकंड केस में उसने क्या दिया है ये आपको पता लग गया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है एटीन आइए क्वेश्चन में आगे क्या कहता है वेन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू एल इज पुट बिटवीन द लेंस एंड द मिरर द पिन हैज टू बी मूव ए डैश सेंटीमीटर, टू गेट इट्स इन्वर्टेड रियल इमेज एट ए वैल्यू ऑफ म्यू एल आपको म्यू एल की वैल्यू पता करनी है ये ट्वेंटी सेवन हो गया है ये ऊपर शिफ्ट हो गई है राइट ऊपर शिफ्ट होने का मतलब अब ये डिस्टेंस ट्वेंटी सेवन बन गई है कब जब आपने यहां पर कोई लिक्विड भी भर दिया है आपके पास कॉम्बिनेशन बन गया मैं थोड़ा इसको उल्टा करके लिखूं इस तरह का कॉम्बिनेशन बन गया है आपके पास ये लिक्वड ये लेंस और यह मिरर यह तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया अब देखिए आपको पता है यहां पर फोकल लेंथ क्या होगा यह एक नंबर है यह दो है पहले लेंस के लिए क्या थी वन बाय एफ वन वही म्यू माइनस वन वन बाय आर माइनस वन बाय माइनस आर वो 1, 1 R, R, तो फाइनली क्या आ गया वन बाय आर आ जाएगा राइट क्योंकि म्यू की वैल्यू वन पॉइंट फाइव है वन बाय एफ टू क्या हो गया म्यू एल माइनस वन वन बाय माइनस आर और माइनस वन बाय इंफानाइट तो आपके पास आ गया माइनस म्यू एल माइनस वन बाय आर राइट और मिरर के लिए क्या हो गया जीरो तो इक्वालेंट आपके पास क्या हो गया पी इक्वालेंट डबल ऑफ पहला की पावर डबल ऑफ सेकंड की पावर और क्योंकि रे जब आती है ना तो लेंस से दो बार जाएगी तो इसलिए दो बार रिफ्रेक्शन के लिए डबल पावर लेंगे मिरर की केवल एक बार ले तो उस केस में टू पी वन आपके पास कितना है पी वन आपके पास ये पी वन पी टू पी थ्री थे पी एम थे तो पी वन का मतलब टू बाई आर और माइनस टू म्यू एल माइनस वन बाय आर और ये जीरो आपके पास क्या आ गया आर एल सीम आएगा टू माइनस टू म्यू एल प्लस टू मेरी बात के लिए ये आपके पास इसकी नेट पावर आ जाएगी ओके तो इसकी पावर आपके पास क्या आ जाएगी फोर माइनस टू म्यू एल बाय आ जाएगी क्योंकि आर की वैल्यू एटीन है इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं टू माइनस म्यू एल बाय नाइन तो आपके पास एफ इक्वालेंट क्या आ जाएगी एफ इक्वालेंट आएगी माइनस वन बाय पी इक्वालेंट आप लिख सकते हैं नाइन बाय म्यू एल माइनस टू राइट और आपको क्या दिया है आपको दिया है टू एफ इक्वल इक्वल टू माइनस ट्वेंटी सेवन आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे आपके पास क्या आ गया नाइन इंटू टू बाय म्यू एल माइनस टू इक्वल टू माइनस ट्वेंटी सेवन तो ये आपके पास कैंसिल हो गया थ्री से आप इसको उधर लेकर जाएंगे आपके पास क्या आया म्यू एल माइनस टू इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री आप इधर लेकर जाएंगे तो टू माइनस टू बाई थ्री तो सिक्स माइनस टू कितना हो गया फोर बाय थ्री आ जाएगा मैं क्वेश्चन पर वापिस आऊँ तो वो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फोर बाय थ्री ये एन के अंदर भी आपको लास्ट के क्वेश्चन हैं उनमें दिया हुआ है वहां से भी पढ़ सकते हैं ओके नेक्स्ट देखिए नाइनटींथ नंबर क्वेश्चन देखिए वन कन्वेक्स प्लेनो कन्वेक्स एंड वन प्लेनो कन्केव लेंस इनका कॉम्बिनेशन है आपको वही पहले जैसा ये क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं इस लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी वन बाय एफ वन इक्वल टू म्यू वन माइनस वन बाय आर और इसकी फोकल लेंथ क्या होगी म्यू टू माइनस वन बाय माइनस आर कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है तो वन बाई एफ इक्वल टू क्या हो गया दोनों का सम कर देंगे जब आप सम करोगे तो क्या आया म्यू वन माइनस वन और माइनस म्यू टू प्लस वन बाय आर तो आपके पास म्यू वन माइनस म्यू टू बाय आर आएगा तो फोकल लेंथ इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगी आर बाय म्यू वन माइनस म्यू टू आ जाएगी काफी सिंपल क्वेश्चन था नेक्स्ट देखिए देखिए द ग्राफ शो हाउ द मैग्निफिकेशन एम प्रोड्यूस बाय ए थिन लेंस वेरी विद इमेज डिस्टेंस वी व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस देखो एम और वी का रिलेशन है लेंस के लिए है आपको पता है वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाय एफ होता है वी की टर्म में पता करना था तो वन माइनस वी बायू इक्वल टू वी बाई एफ ये आपके पास मैग्निफिकेशन बन गया तो वन माइनस एम इक्वल टू वी बाय एफ मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में इसको चेंज कर लेता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए आपको फोकल लेंथ पता करनी है मैं एम की जगह वाई लिख लेता हूं वी की जगह एक्स तो मेरे पास क्या बन गया वन माइनस वाई इक्वल टू एक्स बाय या मैं इधर लाऊंगा y इक्वल टू वन माइनस एक्स बाय एफ हो जाएगा कोई कंफ्यूजन तो ये मेरे पास y इक्वल टू एम एक्स माइनस एम एक्स प्लस सी जैसी कहानी बन रही है ये स्लॉप बन रही इसका मतलब मैं यहां से इसकी स्लॉप को कैसे लिखता हूं आपको पता है यहां से क्या आ रही है स्लॉप स्लॉप आ रही है यहां से माइनस वन बाय एफ माइनस वन बाय एफ आ रही है आ रही है, है? एक्स के साथ वाला स्लॉप होता है लेकिन यहां से स्लॉप क्या आएगी ये आपके पास क्या है सी ये क्या है बी तो यहां से आपके पास आ रही है प्लस सी बाय बी तो इसका मतलब फोकल लेंथ आपके पास माइनस बी बाय सी होगी इसका मतलब ये एक ऐसे लेंस के लिए है जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है या कंकेव लेंस है मेरी बात क्लियर तो उस केस में इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा बी बाय सी

रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फोर बाई थ्री दिया है तो देखो इस ऑब्जेक्ट की इमेज पता करनी है सबसे पहले तो आप इस मिरर के लिए देखें इमेज कहाँ बने मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कितना है 1 by 5 है ना तो आप इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं तो कितना है माइनस फाइव इक्वल टू एफ फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर फोर्टी सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ माइनस ट्वेंटी हो जाएगी तो माइनस वन बाय ट्वेंटी आप लिख सकते हैं वन बाय वी इक्वल टू माइनस वन बाय ट्वेंटी प्लस वन बाय फाइव तो फाइव आपके पास ट्वेंटी एलसीएम आ गया यहां से क्या आया माइनस वन प्लस फोर तो वी की वैल्यू प्लस ट्वेंटी बाय थ्री आ गया प्लस ट्वेंटी बाय थ्री का मतलब इसकी इमेज यहां कहीं चली गई जो यहां से कितनी है ट्वेंटी बाय अब देखिए इसकी जो एक्चुअली डेफ्थ है एक्चुअल डेफ्थ इस इमेज की ये रही ये कितनी है फाइव प्लस ट्वेंटी बाई थ्री इसकी एक्चुअली डेप्थ कितनी होगी फाइव प्लस ट्वेंटी बाय थ्री तो ये थर्टी ये एक्चुअली डेफ्थ जो आएगी आपके पास ये कितनी बन जाएगी थर्टी फाइव बाई थ्री बन जाएगी ये रियल डेफ्थ है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया है अपरेंट पूछा है तो आप कह सकते अपरेंट डेप्थ बाय सॉरी इक्वल टू रियल डेप्थ बाय म्यू होता है रियल डेप्थ आपके पास कितनी है थर्टी बाय बाय थ्री और वो कितना है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स फोर बाय थ्री तो थर्टी फाइव बाय फोर कितना हो गया एट पॉइंट थ्री जीरो तो एट पॉइंट अप्रोक्सीमेट एट सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर क्या होगा थर्ड आंसर हो जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 देखिए ए ट्रांसपेरेंट क्यूब ऑफ साइड डी मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 ए रेज इंसिडेंस ऑन द फेस ए बी एट एन एंगल थीटा शो इन द फिगर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस एट ए पॉइंट ई द फेस बी सी थीटा मस्ट सैटिस्फाई देखिए स्लैब के लिए आपके इस पॉइंट ई e पर जो रे इंसिडेंस हो रही है उसके लिए ये एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है ओके okay? इसके लिए ये जो एंगल है ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा है ये म्यू वन है ये म्यू टू है ये ए पॉइंट है ये आपके पास बी है ये ई e है ये सी है ये डी है ओके आपको की वैल्यू पता करनी है अब आप देखिए आपके पास ये तो कोई एंगल आर है अंदर वाला जो एंगल है आपके पास ये आई है राइट इस आई को आप क्या लिख सकते हैं 90 माइनस आर लिख सकते हैं आई की कंडीशन है कि ये ग्रेटर देन होगा किससे थीटा सी से तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ओके आप लिख सकते हैं साइन आई की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगी किससे साइन थी सी से साइन आई को आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस आर ग्रेटर देन होगा किससे साइन थी सी क्या है रेयर मीडियम वन बाय टू रेयर क्या है म्यू वन और डेंसर क्या है म्यू टू ये आपके पास क्या बना कॉस आर इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन किस से म्यू वन बाय अब अगर मैं वहां स्नेल लॉ लगाता हूं तो लिख सकता हूं म्यू वन साइन थीटा इक्वल टू म्यू टू साइन आर तो मेरे पास साइन आर क्या आ गया मेरे पास साइन आर आ रहा गया म्यू वन बाय म्यू टू साइन थीटा तो इसका मतलब आप कॉस को क्या लिख सकते हैं आर में बदलने के लिए कॉस आर ना तो आर आपके पास ग्रेटर देन होगा म्यू वन स्क्र बाय म्यू टू इसको आप लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्र आर ग्रेटर देन होगा म्यू वन स्क्र बाय म्यूटू स्केर इधर लाएंगे तो वन माइनस म्यू वन स्क्र बाय म्यू टू स्क्र इज ग्रेटर देन साइन आर तो आप लिख सकते हैं कि जो साइन आर है ना ये लेस देन होगा किससे रूट म्यू टू स्क्र माइनस म्यू वन स्क्र बाय म्यूटू स्के और साइन आर को आप लिख क्या सकते हो आप लिख सकते हो म्यू वन साइन थीटा बाय म्यू टू लेस देन होगा किससे रूट म्यू टू स्केयर माइनस म्यू वन स्क्र बाय म्यूटू म्यू टू से म्यू टू कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या आ गया साइन थीटा इक्वल टू रूट म्यू टू स्केयर माइनस म्यू वन स्क्र बायून तो थीटा सॉरी ये लेस देन हो तो ठिट्टा लेस देन होगा किससे साइन इनवर्स म्यू टू स्वेयर माइनस म्यू वन स्क्र म्यू वन से मेरी बात क्लियर तो आपके पास ठिटा की वैल्यू क्या आ जाएगी ठिटा लेस देन होगा साइन इनवर्स रूट अपने पास ये रिजल्ट आ रहा है देखिए और ऐसा कोई मैच कर रहा है तो देखिए ऐसा कोई मैच नहीं कर रहा लेकिन हाँ ये मैच कर जाएगा अगर आप इसको चेंज कर दो ऐसा भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स इसको भी रूट में ले लीजिए म्यू टू बाय म्यू वन का स्क्वेयर और माइनस वन तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सेकंड आ जाएगा ओके नेक्स्ट देखिए ट्वेंटी थ्री A thin lens made of glass, refractive index 1.5, of focal length 16 centimeter, is immersed in a liquid of refractive index 1.42. If its focal length in liquid is fL, then the ratio of fL by f is close to integer. 1 by f was mu minus 1, means 1.5 minus 1, 1 by r1 minus 1 by इसका मतलब वन बाय टू आ जाएगा ओके आप लिख सकते हैं पॉइंट फाइव वन बाय आर वन माइनस वन बाय जैसे ही आप लिक्विड में डालोगे इसे तो नई फोकल लेंथ क्या आएगी म्यू टू बायू वन तो म्यू टू कितना है आपके पास वन पॉइंट फाइव बाय वन पॉइंट फोर टू माइनस वन वन बाय आर वन माइनस वन बाय इसको एलसीएम लेंगे तो आपके पास कितना आएगा पॉइंट जीरो एट बाय वन पॉइंट फोर टू ओके इंटू वन बाय आर वन माइनस वन बाय अगर आप इसे डिवाइड कर देते हैं तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा एफ एल बाय वन को टू से डिवाइड किया तो वन बाय एफ मतलब एफ एल बाय हो जाएगा तो वन में क्या था पॉइंट फाइव बाय इंटू वन फोर्टी टू आ जाएगा मेरी बात के लिए इसको आप अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं वन फोर्टी टू बाई एट इंटू टू ये टू से कितना हो गया सेवनटी वन बाई एट आ जाएगा जो सेवन नाइन इंटू एट सेवनटी टू होता है अप्रोक्सीमेट आपके पास क्या आ जाएगा नाइन आ जाएगा आंसर शुड बी सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फोर नंबर An object is gradually moving away from the focal point of a concave mirror along the axis of the mirror. The graphical representation of the magnitude of linear magnification versus distance of the object from the mirror X is correctly given by graphs draw systematically and are not to scale. M or X may graph the hai. right? M or X may. तो मैग्निफिकेशन के लिए अगर हम बात करें तो मैं एक बार इसका फॉर्मूला ड्राइव कर लेता हूं देखिए आपके पास मैग्निफिकेशन क्या होती है माइनस वी बाए? यू होती है आपको एक्स मतलब डिस्टेंस के साथ देखना है तो आपको पता है वन बाय वी माइनस वन बाय यू इक्वल टू वन बाय एफ होता है आपके पास लेंस मिरर दिया कॉनकेव जो फोकल लेंथ नेगेटिव होती है वन बाई वी माइनस एक्स इक्वल टू वन बाय माइनस एफ नो तो आपके पास वन बाय वी इक्वल टू माइनस वन बाय एफ नॉट और प्लस एक्स माइनस एक्स क्लियर सॉरी ये प्लस होता है ये माइनस हो जाएगा इधर प्लस हो जाएगा तो आपके पास क्या आ गया एफ नॉट एक्स एफ नॉट माइनस एक्स आ जाएगा तो आपके पास मैग्निफिकेशन क्या होगा माइनस वी बाय माइनस एक्स तो वी बाय एक्स क्या हो गया आपके पास एफ नॉट बाय एफ नॉट माइनस एक्स आ जाएगा ओके मतलब मेरे पास जो फोकल इसका मैग्निफिकेशन आएगा एम वो आएगा एफ नॉट बाय एफ नॉट माइनस एक्स होगा अब देखिए आपके पास जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैग्नीफिकेशन की बात करेगा जब वो तो मैग्नीफिकेशन एफ इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ नॉट माइनस एक्स है तो ये दोनों ऑप्शन कभी नहीं हो सकते क्योंकि जब आप f की वैल्यू रखोगे x इक्वल टू एफ रखोगे तो m इन्फानाइट होना चाहिए जो इसमें नहीं मेरी बात क्लियर जब आप 2f रखोगे राइट right? जब आप टू एफ रखोगे तो टू एफ नॉट से मैग्निफिकेशन माइनस वन आएगा वो इसने मैग्निट्यूड से दे रखा है तो इसका मतलब सब वैल्यू पॉजिटिव में ले रखी। तो टू एफ से आपके पास क्या होना चाहिए इसका वन होना चाहिए ओके तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा ये आंसर भी नहीं हो सकता क्योंकि एफ पर नॉन जीरो वैल्यू आ रही है राइट ग्राफ की एफ पर इंफानाइट वैल्यू होनी चाहिए तो ऑप्शन यही होगा क्योंकि एफ पर देखिए इन्फानाइट की ओर जा रहा है और टू एफ रखते ही एफ नॉट बाय मतलब उसका मैग्नीट्यूड माइनस वन आ जाएगा मतलब वैल्यू वन ले ली जाएगी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन देखिए ए लिक्विड ऑफ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स रूट टू रूट टू एंड द अपर हाफ विद अनदर लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट टू लिक्विड्स आर इमिसिबल द अपरेंट of ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द बॉटम इन देखो जब मल्टीपल लिक्विड्स रखे जाएंगे उस केस में आप लिख सकते हैं डी अपरेंट को क्या लिखते हैं डी वन बाय म्यू वन प्लस डी टू बाय म्यू टू प्लस डी थ्री बाय म्यू थ्री प्लस डी एन और ऐसे ही अगर आपके पास इस केस में इफेक्टिव म्यू पूछ ले तो म्यू क्या होता है रियल बाय अपरेंट होता है तो रियल क्या हो गया डी वन डी टू डी एन ओवर इनकी वैल्यू रखोगे डी वन बाय म्यू वन प्लस डी टू बायू एन राइट आपके पास इसी तरह से जब इसका रिजल्ट पूछेगा आप रख सकते हैं इस तरह से रिजल्ट आ सकता है क्वेश्चन के अंदर सिर्फ अपरेंट पूछा था तो डी अपरेंट क्या हो गया पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है टू रूट टू डेप्थ कितनी है एच दूसरे की डेप्थ भी एच है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट टू है तो उस केस में एच। टू रूट टू, LCM आया आपके पास इधर से क्या मिला आपको वन प्लस टू तो आपके पास आ गया थ्री एच बाय टू रूट टू ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है हाँ फोर वाला है तो इसको रूट टू से प्रोडक्ट कर दीजिए तो कितना आ गया थ्री रूट टू एच फोर आ जाएगा okay? तो ये आपका क्या था ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन था ओके okay? तो ये आपका रे ऑप्टिक्स का पेपर था अब नेक्स्ट अपना वेव ऑप्टिक्स का बचा है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे ओके okay? इसके बाकी के पेपर्स को भी आप देखने के लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं उस पर देख सकते हैं वहाँ सारे पेपर्स आपको सॉल्व मिलेंगे चाहे वो जेई मेन के प्रीवियस ईयर्स के हों चाहे वो जे ई मेन के नाइनटीन ट्वेंटी नाइनटीन और ट्वेंटी के हों चाहे वो मेडिकल के एग्ज़ाम्स हों जितने भी प्रीवियस ईयर्स में तेरह से लेकर के नाइनटीन तक मेडिकल के अंदर आए हैं ओके थैंक यू